जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। सभी देशवासियों को दिवाली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विश्व में फैले हुए असंख्य वो लोग जो दिवाली के पर्व को बड़ी पावनता से मनाते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी अपनी समर्थकों से, सभी देशवासियों से अपील है कि कृपया आप लोग एक छोटी सी बात का ध्यान रखें कि अभी कुछ दिनों बाद जो दिवाली आने वाली है, उस दिवाली के पावन पर्व पर आप लोग जब भी खरीदारी करने के लिए आप घर से बाहर निकलें, तो कोशिश करें कि आप उन दुकानदारों से वस्तुएं खरीदें जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, कहीं फुटपाथों पे, छोटी छोटी दुकानों पे, रेहड़ियों पे, ठेलों पे दुकानें लगाए बैठे हैं और इस आस में लगाए बैठे हैं कि आप उनसे कुछ खरीदारी करेंगे तो उनके घर में भी दिवाली मनाई जाएगी, उनके घर के आंगन में भी एक दिया जलेगा, उनके बच्चों के परिवार के चेहरों पे भी खुशियां आएंगी, वो भी कपड़े खरीद पाएंगे। इसलिए आप उन लोगों से ही खरीदारी करें। कोशिश करें कि बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में जाने से, ऑनलाइन माल खरीदने से या बुलाने से आप लोग बचें, और चाइना की किसी भी वस्तु का आप लोग उपयोग न करें, उनका बहिष्कार करें। जो मिट्टी का दिया होता है, उस मिट्टी के दिए का ही आप उपयोग करें, उन्हीं मिट्टी के दियों को खरीदें। आप फैंसी दिए या फैंसी जो लाइटें होती हैं, जो लाइटिंग लगाई जाती दिवाली के समय पे, उन चीजों का आप लोग बिल्कुल भी, स्वदेशी चीजों का ही उपयोग करें, चाइना की वस्तुओं का आप बहिष्कार करें। और एक बात का और आप ध्यान रखें कि जिस भी छोटे बड़े व्यापारी को दिवाली का पता हो, दिवाली की पावनता का पता हो, दिवाली मनाता हो, जिसके परिवार में, घर आंगन में दिया जलता हो दिवाली का, आप उन्हीं लोगों से खरीदारी करें, उन्हीं व्यापारियों से खरीदारी करें। और एक चीज का और आप ध्यान रखें कि कोई भी गरीब अमीर, छोटा बड़ा, किसी भी जाति धर्म पंथ मजहब रंग रूप वाला हो, किसी भी प्रांत वाला हो, किसी प्रकार के झंडे का समर्थक हो, आप लोग कोशिश करें कि आपके आंगन में जो दिवाली मनाता हो, वही आपके आंगन में जो दिया जले, एक दिया आप उन सैनिकों के नाम जरूर रखें जो सैनिक सीमाओं पे खड़े होकर 24-24, 18-18 घंटे 29 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी जाकर हमारे देश की और हमारे परिवार की सुरक्षा करते हैं, अपने प्राणों की आहुतियां देते हैं। एक दिया आप किसान अन्नदाता के नाम का लगाएं, और उसके बाद एक उन माँ बापों के नाम का लगाएं, उन बुजुर्गों पूर्वजों के नाम का लगाएं जिन्होंने हमें संस्कार दिया। और कोशिश करें कि आप दिवाली के पावन पर्व, वृक्ष की पूजा, अनाथ बच्चों के साथ में मुख्य प्राणी जो है बहुत सारे, उन लोगों को कुछ खिला के उनके साथ में मनाने की कोशिश करें। बहुत सारी फिजूल खर्ची न करें। आजकल फैशन है कि हमारे अलमारी में बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं, हमारे इनमें जितने भी हमारे घर में